क्या आपका भी रिलेशनशिप ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाता? आखिर इसके पीछे क्या रीजन है? देखिए, रीजन बहुत सारे, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है ये चार रीजन जो मैं आपको बताऊंगी। नंबर वन है कि बोथ ऑफ यू आर डिफरेंट, आप दोनों अलग है। आपकी चॉइसेस, प्रायोरिटी, वैल्यूज, इंपॉर्टेंस, आपकी सोच, आपके ड्रीम्स, सब कुछ अलग है। एक दूसरे से ये एक्सपेक्टेशन बिल्कुल ही नहीं रखना है कि जो आप चाहोगे वही सामने वाला भी चाहेगा। जो आपको पसंद है वो उसे भी पसंद है, और अपनी पसंद नापसंद को उसे थोपना ये बिल्कुल भी सही नहीं होता। इससे यही होता है कि एक दूसरे का रिश्ता, एक दूसरे का भरोसा टूटता है, ड्रीम्स टूटते हैं और लड़ाई झगड़े भी बहुत होते हैं। तो हमेशा ये एक्सपेक्ट करना कि मैं जैसा हूँ वैसा ही वो, जस्ट लाइक एक रिफ्लेक्शन हो या कार्बन कॉपी हो, ऐसा बिल्कुल भी अपने पार्टनर से उम्मीद करना बेकार है। ऐसा बिल्कुल ना करें। आप दोनों अलग हैं, इस चीज को एंजॉय करें। आपकी चॉइसेस अलग है, इस चीज को आप एंजॉय करेंगे तो बेहतर होगा। एक दूसरे के साथ चलेंगे, एक दूसरे को समझेंगे तो ये बेहतर होगा। नंबर वन टिप है जो लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप के लिए बहुत जरूरी है। नंबर टू जो एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप के लिए जरूरी होती है वो है प्रोमिसेस करना, बट फेक प्रोमिसेस ना करना। देखो, फेक प्रोमिसेस जैसे कि मैं सब कुछ कर दूंगा अगर तुम मेरी लाइफ में आ जाओ, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन उसे पूरा ना कर पाना, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जो अक्सर कपल्स करते हैं। ऐसा करना इम्पोर्टेंट नहीं है। देखो, लाइफ में नेक्स्ट मोमेंट पे क्या होने वाला है या फ्यूचर में क्या होगा ये कोई नहीं जानता, इसलिए उतना ही प्रोमिस करो जिसे आप निभा सको। वही सारी चीज़ें प्रोमिसेस करो जो पॉसिबल हो, वैसा कुछ ना करो जो पॉसिबल ना हो और जिसे आप पॉसिबल करने की कोशिश कर रहे हो और फेक प्रोमिसेस कर रहे हो। इससे ट्रस्ट टूटता है, एक दूसरे पे भरोसा टूटता है, उसके बाद रिलेशनशिप भी टूट जाता है। नंबर थ्री है कि शादी, शादी जो ऐसी चीज है ना वो तभी करनी चाहिए जब आप एक दूसरे के साथ कुछ दिन रहने के लिए कंफर्टेबल हो, एक दूसरे के कंडीशन को देखें कि क्या आप सही में एक दूसरे के साथ रह सकते हो खुशी खुशी, या फिर जस्ट बिकॉज कि आपने उससे प्यार किया और आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि वो सारी चीजें सही कर दे, यानी करियर भी सेटअप कर दे, पैसा भी हो जाए, सब कुछ हो जाए और आपकी शादी भी हो जाए। ऐसे अगर उम्मीद लगा के बैठे हो, देखो ये पॉसिबल होने के चांसेस बहुत कम है। शादी तभी करनी चाहिए जब आप दोनों डिपेंडेंट हो, सेल्फ डिपेंडेंट हो और किसी एक पे पूरा बर्डन ना आए। फैमिली की भी कुछ कंडीशन होती है जिसके वजह से भी कभी कभी शादी की प्रॉमिस पूरी नहीं हो सकती, इस चीजों को भी आपको समझना होगा। तो हमेशा यानी कि रिलेशनशिप के स्टार्टिंग से ही शादी की उम्मीद रखना भी गलत होता है। पहले एक दूसरे को अच्छे से जाने, देखे और शादी का डिसीजन सबसे लास्ट में ले, जब आप एक दूसरे के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए, एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए रेडी हो, तभी जाके शादी का डिसीजन लेना चाहिए। नंबर फोर है कंट्रोल ना करना। देखो, लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप की ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पार्टनर पे अपना जो है कंट्रोल ना करना। आप चाहते हो कि आपका पार्टनर आपसे प्यार करे तो उसे कंट्रोल नहीं करो यार। उसकी भी अपनी लाइफ है, उसकी भी सोच है, उसकी भी थॉट्स है, वो भी कुछ सोचती है या सोचता है, उसे फ्रीडम दो। हमेशा ये उम्मीद करना कि आपका पार्टनर एक जीनी है और जो सब कुछ आपको देगा, ऐसा उम्मीद करना बेकार है। आपसे जितना हो पाता है आप उसके लिए करो, उसे बिल्कुल भी कैद ना करें, कंट्रोल ना करें कि रिलेशनशिप एक सर्किल है, अब तुम्हें इस सर्किल के अंदर ही रहना होगा और जो मैं चाहूँ वही करना होगा, जिससे चाहूँ उसी से मिलना होगा, नहीं तो नहीं मिलना होगा, अपनी आदतों को छोड़नी होगी, अपनी पुरानी जितनी फ्रेंडशिप है सब कुछ छोड़ना होगा। ये सब बिल्कुल मत करो, इससे आपका रिलेशनशिप ज़्यादा दिन तक टिकेगा नहीं। होप सो कि मेरी ये बताई हुई टिप्स आपको अच्छी लगी और आपके काम की हो। कमेंट में ज़रूर लिखना कि आपको सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सी टिप लगी और आपकी मेरी टिप्स कैसी लगी। होप सो नेक्स्ट वीडियो और भी अच्छी हो और आपको पसंद आए। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।